तो आगे की सीट बिल्कुल भी मत लेना अगर आप इंटरसिटी बस में आ रहे हैं दिल्ली टू अमृतसर। मैं डिस्कम्फर्ट था पूरी रात, मैं सो नहीं पाया। मैं सही बताऊं अब क्या है कि देखो पैर यहाँ पे मेरे ऐसे लगे जब मैंने आगे वाली थी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इनका वॉशरूम। देखो ये यहाँ पे दोनों साइन लगे हैं, ये कॉमन वॉशरूम है। स्लीपर है, ब्लोअर है, प्लस चार्जिंग जैक है हर किसी के पास। एसी लाउंज, परमो के बस में जो स्टाफ है वो बहुत बेहतरीन है। भले वो हमारे ये सिमरन भाई साहब है, बिल्कुल बढ़िया है। आप जब आओगे बस में तो खुश मिजाज है, दिल खुश है, आपको बढ़िया एंटरटेन करते रहेंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस नए ब्लॉग में। हमने पहला ब्लॉग ख़त्म किया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ताज के साथ। दूसरा ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है न्यू दिल्ली से ही। न्यू दिल्ली से अब हम जाएंगे अमृतसर, अब वो भी बस में, अब वो भी सिंपल बस में। हम जाएंगे इंटरसिटी स्मार्ट बस से। इंटरसिटी स्मार्ट बस जैसे कि आपने सुन रखा होगा अपना, उसके अंदर वॉशरूम होता है, वाईफाई होता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं भी आपको दिखाऊँगा। एक बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सटीरियर इतना प्यारा है उसका, इंटीरियर तो उतना है ही प्यारा प्यारा। टिकट इसका 750 समथिंग है अमृतसर का। तो अभी बस मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर उसका एसी लाउंज दिखाता हूँ। ये जो इंटरसिटी का एसी लाउंज है वो है आपके आरके आश्रम मार्ग, मेट्रो पिलर नंबर 3। आप मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, न्यू दिल्ली से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप वॉकिंग डिस्टेंस में 10 मिनट लगते हैं। बट क्या होता है कि यार लोग आपको लूटने आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के लिए मुझसे ऑटो वाले 100 रुपये मांग रहे थे। कैन यू बिलीव इट। तो पागल नहीं बनना है, महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आ सकते हो। आरके आश्रम मार्ग है, मेट्रो प्लेन नंबर 9। वहाँ पे आपको लाउंज मिल जाएगा, अंदर जाके आप पता कर सकते हैं अपने बस का नंबर। और चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, पैलेस ऑन व्हील्स इंटरसिटी बस। एसी लाउंज, मैं आपको लाउंज दिखाता हूँ अंदर का। और दोस्तों ये है इस लाउंज का वॉशरूम, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसका एसी लाउंज दिखाया, तो फॉर मी बहुत मतलब उस लेवल का नहीं था जिस लेवल की इनकी बसेज है ना, जिस लेवल की मैंने देखी है इंटरसिटी स्मार्ट बसेस, उस लेवल का वो लाउंज नहीं था। वो सिंपल ऐसे कॉमन लाउंजेस नहीं होते, मतलब वॉशरूम तो मैंने दिखाया बहुत गंदा था वॉशरूम, और लाउंज भी टूटी, मतलब चेयर टूटी पड़ी थी और भी बहुत कुछ गंदगी थी। मतलब एक लेवल होता है डिसेंसी जो मैंने फ़ोटोज़ में देखी है लाउंज की, वो नहीं थी इसकी लाउंज की। तो लाउंज तो मुझे खासा अच्छा नहीं लगा। हाँ आपको ये है कि आपका बस नंबर दे दिया जाएगा, आप जहाँ पे आओगे तो आपको बार बार बस नंबर से माइक पे, जैसे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है वैसे ही आपको लाउंज के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इस नंबर की बस, यहाँ जाने वाली बस ऐसे ऐसे जा रही हो, यहाँ पे चले जाइए। फिर आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं। सामने ही बस सारी खड़ी हो जाती हैं, कहीं देहरादून की है, कहीं जयपुर की है, कहीं अजमेर की है, अब खैर में। और बाकी यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, पानी पीने का थोड़ा फैसिलिटी है, वॉशरूम है अंदर, तो ये सब आप हो जाओगे। पर उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना लाउंज से। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इनका वॉशरूम। देखो ये यहाँ पे दोनों साइन लगे हैं, ये कॉमन वॉशरूम है जो कि यूज़ होता है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो जगह छोटी है, जगह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाएगा, प्लस इसमें कुछ भरा नहीं है अभी। ये सामने मिरर है छोटा सा, आपका काम आ जाएगा। यहाँ पे ये कॉमन है तो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा वॉशरूम है पर
आपके लिए ये है कि मिल जाएगा वॉशरूम और ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे घर में पानी आ रहा है और ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है। दोस्तों ये है अंदर से इंटरसिटी बस। तो दोस्तों मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। देखो मेरी वाली ये सीट थी 1E करके, तो मैं जो मैं चीज़ दिखाना चाहूँ वो दिखाता हूँ एक सेकंड। अब क्या है कि देखो पैर यहाँ पे मेरे ऐसे लगे, जब मैंने आगे वाली सीट ली तो मैं आगे ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे, सीधा नहीं हो पाएगा। तो ये आपको चेक करना है, अगर आप आगे वाली लोगे तो पैर सीधे नहीं कर पाओगे, पूरी रात डिस्कम्फर्ट में जाएगी। तो ये जो आगे वाली ना गेट वाली, बिल्कुल वो वाली तो लेनी नहीं है। और ये स्लीपर्स हैं, इनके दो हैं और यहाँ पे एक सिंगल वाला। मैं सजेस्ट करूँगा सिंगल वाला लेना, ये कंपार्टमेंट पूरा बंद हो जाता है खास से, तो आपके पास एक डिफरेंट अलग से प्राइवेसी वाला कंपार्टमेंट होगा। ऊपर ब्लोअर हैं, ये ब्लोअर लगे हैं, प्लस यहाँ पे कैमरा है, और आपको ऊपर यहाँ पे सीट नंबर पता पड़ जाएगा कि जैसे 2E3। और ये नीचे सिंगल ऐसा है, तो पूरा यहाँ पे दो ऊपर स्लीपर एक सिंगल। तो इस तरीके का इंटीरियर है पूरा, मैंने आपको वॉशरूम दिखा दिया है। स्लीपर है, ब्लोअर है, प्लस चार्जिंग जैक है हर किसी के पास, जैसे एक सिंपल यहाँ पे लगा एक चार्जिंग जैक। तो ये थोड़ा और यहाँ से फोल्ड हो जाती है तो नीचे हो जाती है, जैसे करके सेमी स्लीपर बन जाती है। तो खैर ये पूरा था बस का अंदर इंटीरियर, 4491 दिल्ली से अमृतसर जाने वाली। दोस्तों ये अपनी बस है, मैंने आपको सीट दिखा दी, सीट बिल्कुल कॉर्नर में स्टार्टिंग में मिली है गेट के पास। तो दोस्तों बस हमारी 11:15 पे निकली, 11 बजे का लाउंज पे टाइम था, तो बस ऑन टाइम आई थी और आप सुबह 8:10 तक पहुँचाएगी अमृतसर। करीबन 9 घंटे का जर्नी है पूरी अमृतसर, 450 किलोमीटर 8.5-9 घंटे में कवर करनी है इंटरसिटी बस। आपको लग्जूरियस तो पता ही है कि अगर वॉशरूम मिलते हैं, वाईफाई है, सब चीज़ें हैं। और तो बाकी हमने बैग वगैरह सब जो एक्स्ट्रा बैग है वो अंदर रख दिए, बड़े बड़े बैग होते हैं वो अंदर रख दिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों बस तो चले हुए 1.5 घंटा से गुजर गया, 1 घंटा हमारा दिल्ली में ही निकल गया, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह आपको बोर्डिंग पास बोर्डिंग पॉइंट मिलेंगे। जैसे पहला बोर्डिंग पॉइंट आपको आरके आश्रम मार्ग पर मिलता है। तो दोस्तों पीछे आप हमारी मेरी बस देख रहे हैं इंटरसिटी। तो खैर अभी आगे कहीं रोकी है चाय वाय कहीं पीने के लिए। मैं यार आपको मेन चीज़ बता दूँ ना यार, मैं आपको क्या है कि इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना यार, मेरे अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं जिस चीज़ को देखकर मैं इस इंटरसिटी बस में आया ना, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो कम्फर्टेबल नहीं है मुझे। मैं आगे मुझे आलती पाल मतलब मैं पैरों को आगे नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये सोचो। तो आगे की सीट बिल्कुल भी मत लेना अगर आप इंटरसिटी बस में आ रहे हैं दिल्ली टू अमृतसर। आगे वाली जो बिल्कुल आगे वाली सीट है ना, उसको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल जाओगे, आपकी पूरी रात ख़राब हो जाएगी, पूरी जर्नी। और वॉशरूम का थोड़ा गलत था कि वॉशरूम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कॉमन है, मैन एंड वूमेन मैंने दिखाया, और आपको ढंग से दिखाऊंगा। अंदर का इंटीरियर भी आपको दिखाया मैंने, बाकी और यहाँ पे देखते हैं कुछ पीते, देखते हैं कुछ मिलता है, बर्गर वगैरह कुछ खाते हैं, क्योंकि वही शाम का खाया 6-7 बजे का। देखो दोस्तों मैंने आपको वॉशरूम का तो मैंने बता दिया, बाकी अपने सिटिंग अरेंजमेंट का भी मैंने आपको बता दिया कि बस वो अनकंफर्टेबल जो मेरी जर्नी जा रही है ना, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा पैसे कंफर्टेबल के लिए ही दिए और वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं जब मैंने आगे सीट ली है और मुझे नहीं पता था कोई कंफर्ट नहीं है बॉस, कोई कंफर्ट नहीं है, जो मतलब सिंपल जो बॉल वॉल्स होती है ना वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो क्या होता है ना कि सारी बसेस में ऐसी चीज़ जो फैसिलिटीज नहीं होती, वो जो हर बस में उनकी एक आध बस में है, वो एक आध बस में है जो हमने सर्कुलेट करते हुए देखी, सारी बसेस में नहीं है इंटरसिटी की, जैसे दिल्ली टू अमृतसर इसमें इतनी कंफर्ट नहीं है जो मैंने फील किया है। खैर
अभी उन्होंने कुछ गुडी बैग्स को सामान भी दिए थे, मैं आपको वो दिखाऊंगा क्या क्या सामान दिए। बाकी वो मिलता है आपको, ब्लैंकेट नहीं मिलता बट और भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जो 70 माइलस्टोन पर रोका है, खैर बहुत अच्छी जगह है, बहुत क्लासी जगह है, बहुत सारे सामान मिलते हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट है पूरा। तो बस अभी 10-15 मिनट का स्टॉपेज है, खाना पीना है, फिर बस आगे चलते हैं। टाइम हो गया 7:30 बज रहे हैं और अभी हमने जलंधर छोड़ा, जलंधर से 8 बजने वाले हैं, तो करीबन बस लास्ट हमने जलंधर के बाद अमृतसर आने वाला है आखिरी सिटी। बस जो टाइम पे हमने रेड बस में दिखाई थी, बस 8:10 तो लगभग उसी टाइम पे पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे संजय भाई साहब ने चलाई इतनी बढ़िया है। और बाकी बस का मैंने आपको इंटीरियर दिखाया बढ़िया, आपको मैं बस की एक तारीफ करूँगा कि बस में जो स्टाफ है वो बहुत बेहतरीन है, भले वो हमारे ये सिमरन भाई साहब हैं, बिल्कुल बढ़िया है। आप जब आओगे बस में तो खुश मिजाज है, दिल खुश है, आपको बढ़िया एंटरटेन करते रहेंगे। और ये हमारे संजय भाई साहब बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आपको अमृतसर पहुँचा देंगे। और बस कंटिन्यूसली बिना एक स्टॉपेज मिला था, जो हमने रात को 1:30 बजे नॉटी बॉल करके वहाँ पे लिया था, तो मैंने वहाँ पे पास्ता ले लिया था। और बस अब चलते हैं। तो दोस्तों इस बस की खासियत ये है कि आपको सैनिटाइजेशन करा के ही अंदर घुसेड़े जाएगा, अंदर रखा जाएगा, प्लस पूरी बस सीसीटीवी से लैस है, आप देख सकते हैं इधर एंड दिस, इधर सीसीटीवी अंदर भी लगे हैं, प्लस कोई भी सिटी आने वाली होती है तो यहाँ पे माइक है, माइक से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोई भी अगर आप मतलब ये भी है, अगर आप सो जाओगे तो कोई समस्या नहीं है, बस का अनाउंसमेंट होता है जो भी सिटी आने वाली होती है, तो सीसीटीवी से लैस है। दोस्तों टाइम हो रहा है करीबन 8:45, ये जो आपको हल्का सा धुंधला सा गोल्डन गेट दिख रहा है, ये एंट्री है बिल्कुल गोल्डन अमृतसर की। और थोड़ा 30-40 मिनट हम लेट हैं, बट अब जब आप आएंगे ना यहाँ से, तो आपको ये गेट मिलेगा, आप गेट से समझ जाओगे आप सिटी ऑफ गोंडल टेम्पल एंट्री कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार, और ये हमारी एंट्री होती हुई गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ऑफिशियली एंट्री हो गई हमारी। टाइम हो रहा है हमारा 8:45, यहाँ से भी सिटी अंदर शायद 4 किलोमीटर दूर है ना। तो बस स्टैंड अभी शहीद मदल्ला ढींगरा नाम से था इनका बस स्टैंड, जो अमृतसर का मेन बस स्टैंड है, वो निकल चुका है, अब आएगा रेलवे स्टेशन जहाँ पे बस रुकेगी, वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो बस 2-3 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर आने वाला है, और कोई ज़्यादा नहीं है, 20-25 मिनट लेट हुआ क्योंकि रात को फॉग था, 2 बजे से कंटिन्यूसली रात को चल रही है, आप सोचो 2 से करीबन ज़्यादातर 6-6.5 घंटे लगातार चली है बस। तो बस दोस्तों हमारी बस आ गई है यहाँ पे अमृतसर में, मैंने बताया 9 बजे करीबन, तो बस का टाइम वैसे 8:10 का था, तो 9 बजे 10-20-25 मिनट लेट आई है, बट कंटिन्यूसली चलिए। यहाँ से देखते हैं कि होटल या चेक करेंगे, होटल कौन सा नियरेस्ट है गोल्डन टेम्पल के पास, या तो होटल चेक करेंगे नहीं तो रेलवे स्टेशन के पास ही होटल चेक करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ से, फिर होटल में जाके फिर ट्राई करते हैं। तो यार ऑनेस्ट रिव्यू दूँ मैं इंटरसिटी बस का, जो मेरी ऑल नाइट पूरी रात की थी, करीबन वहाँ से 11 बजे से अब सुबह 8-8:30 बजे अमृतसर छोड़ा है। तो मेरा जो रिव्यू है, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का मुझे समस्या थी, मैं डिस्कम्फर्ट था पूरी रात, मैं सो नहीं पाया, मैं सही बताऊँ, जिस कम्फर्ट के लिए मैंने 750 रुपये डाले इंटरसिटी बस में, वो मुझे कम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं मिला। वॉशरूम, हाँ वॉशरूम ठीक था, वॉशरूम भी बहुत सो कॉल्ड अच्छा नहीं था इसका, हाँ स्टाफ बहुत अच्छा था, स्टाफ जो भी इनके कंडक्टर बस ड्राइवर हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत सही थे। बाकी कंफर्टेबल नहीं है दिल्ली अमृतसर 44-91 बिल्कुल भी मेरे लिए, सेमी स्लीपर के नाम पे वो जो कुत्ता है ना, कुशन सॉफ्ट भी नहीं है इतना कि मुझे नींद भी आ जाएगी, अनकंफर्टेबल, प्लस वॉशरूम अच्छा नहीं था, नॉर्मली था। तो खैर मेरा रिव्यू तो अच्छा नहीं है इसका,
हो सकता है बाकी जो हमने इंटरसिटी बसेस देखी हैं वो अच्छी होंगी, ये वाली तो नहीं, इस रूट की तो अच्छी नहीं है। तो आप लोग अगर आएंगे तो मैंने जो आपको सजेशन दिए हैं वो ट्राई कीजिएगा, आगे वाली सीटें नहीं लेनी है क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। बाकी रूट टाइम से पहुँचा देती है, फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, होटल वोटल ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। और दोस्तों मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये जब आप इंटरसिटी स्मार्ट बस में चलते हो तो ये कुछ गुडी बैग्स देते हैं, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या देते हैं। एक सेकंड, ये एक तरीके का इनका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट है, ठीक है। बाकी एक टूथब्रश मिलेगा आपको, और ये आपको डाबर की वैदिक सुरक्षा टी मिलेगी आपको, ग्रीन टी। और इसके साथ आपको ये वाइप मिलेंगे, एंड ये आपको दो सैनिटाइजर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप बस से सफ़र करते हैं। पहले क्या था कि पहले आपको ब्लैंकेट भी मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं, अब आपको खुद ही लाना पड़ेगा। प्लस अगर आपको लेना पड़ेगा तो 100 रुपये उसके चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा, प्लस अंदर एक बैग रखवाने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 100 रुपये। तो ये सब आप देख परख के आइए।